नमस्कार दोस्तों, कामयाब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 13 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना किस बैंक ने की है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। और अब किस अधिनियम से आपको पूछा जाए, किस एक्ट या अधिनियम से? तो ये 1934 अधिनियम से हुई थी। अब बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में है। और जब इस बैंक को तैयार किया गया था तो इसका जो पहला मुख्यालय था, जो पहला मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, कलकत्ता में था। और कलकत्ता से 1937 में इसके मुख्यालय को मुंबई में परिवर्तित कर दिया गया। और आपको बता दें इसके पहले गवर्नर एस ओ स्मिथ थे। और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और आपसे पूछा जाए किस नंबर के हैं, तो आपका उत्तर होगा 25वें नंबर के हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो होगा 12वां भारत रत्न। अगला प्रश्न देखें, बारवा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड किसे मिला? भारत 2022 का अम्बेडकर अवार्ड किसे मिला? तो आपका उत्तर होगा हर्षाली मल्होत्रा। तो आपके बता दें कि हर्षाली मल्होत्रा बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री थी। तो हमारा अगला प्रश्न होगा, ऑपरेशन मिशन किसने शुरू किया है? ऑपरेशन मिशन किसने शुरू किया? तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा रेलवे ने। अगला प्रश्न होगा, जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो आपका उत्तर होगा कोच्चि। और कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोच्चि पड़ता है केरल में। अब केरल की बात करें तो केरल की राजधानी होगी, इसकी राजधानी होती है त्रि
तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। आप केरल के सीएम की बात करें तो इसका सीएम होता है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। अब बात करें इसके गवर्नर की, इसके गवर्नर हैं मोहम्मद खान। इसके गवर्नर की बात करें तो इसका गवर्नर है मोहम्मद खान, आसिफ मोहम्मद खान, सॉरी आसिफ नहीं, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। अब अगला हमारा अगला प्रश्न होगा, हेनले पासवर्ड इंडेक्स में, हेनले पासवर्ड इंडेक्स इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक इंडेक्स Q1 में भारत की कितनी रैंक है? तो भारत की रैंक होगी 83। तो आपको बता दें, इससे पहले भारत की रैंक 90 थी, 7 अंकों का इम्प्रूवमेंट किया है, 7 अंकों का इम्प्रूवमेंट किया, और अब वर्तमान में 83वें नंबर पर है। अगला हम करें, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ हुआ तो आपका उत्तर होगा, नॉर्थ ईस्ट जो फेस्टिवल है गुवाहाटी में, गुवाहाटी गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। और गुवाहाटी के बारे में बात करें तो यह असम का सबसे बड़ा शहर है, असम का सबसे बड़ा शहर है। अब हम जान लेते हैं असम के बारे में, अब हम जान लेते हैं असम के बारे में। असम असम की बात करें तो असम की जो राजधानी होगी, इसकी राजधानी है दिसपुर। दिसपुर राजधानी होगी इसकी, दिसपुर होगी। और इसका जो गठन है, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब इसके सीएम की बात करें, इसके सीएम मुख्यमंत्री की बात करें तो इसका मुख्यमंत्री हेमंत हेमंत। और यदि इसके हम गवर्नर की बात करें तो इसका गवर्नर होगा जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को या बच्चों का आपातकालीन वैक्सीनेशन कर लिया है, पूर्ण वैक्सीनेशन कर लिया है, सॉरी बात सॉरी पूर्ण वैक्सीनेशन कर लिया है। तो उत्तर होगा हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो अब लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी होगी, लक्षद्वीप की राजधानी, इसकी राजधानी होती है कवरत्ती, कवरत्ती, कवरत्ती। तो अगले हम बात करें, भारत का कौन सा शहर पहला हेली हब स्थापित करेगा? अगला प्रश्न होता है हमारा, भारत का कौन सा
हेली हब स्थापित करेगा। सॉरी सॉरी भाई, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, भारत का कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर पहला हेली हब स्थापित करेगा? तो आपका उत्तर होगा गुरुग्राम। अब आपको बता दें गुरुग्राम कहाँ पड़ता है। गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा। और हरियाणा के बारे में जाने तो इसका वर्तमान जो सीएम है वो है वर्तमान सीएम की बात करें मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में हरियाणा में दो उद्यानों को बेटलाइन में, रामसर बेटलाइन में शामिल किया गया है। एक तो है भिंडावास और दूसरा है कलेश्वर। इन्हें इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया है, साइट में शामिल किया है, रामसर साइट में शामिल किया है। तो अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आपका उत्तर होगा पियरे ओलिवियर। पियर ओलिवियर ओली बियर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय यहाँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको उच्च समय पर वीडियो मिल सके। और यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट में लिखकर इसे आप सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।